हेलो फ्रेंड्स, विदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का ही वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में हमने तीन टाइप पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले चौथा टाइप। तो आपको ध्यान में रखना है, पिछले लेक्चर्स देख लीजिए जिन्हें नहीं देखा है। पहले दो लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन वीडियोज़ को आप अच्छे से वॉच करो, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। फिर इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मतलब टाइप तो हम फोर पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था शब्द होम को, हम जो लास्ट क्वेश्चन था, कितने तरीके से व्यवस्थित के अक्षरों को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि सारे जो उसके स्वर हैं, मतलब वोवेल्स हैं, वो साथ में आए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं शब्द कॉफी, देखिए जो टाइप फोर है, शब्द कॉफी के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उसके जो वोवेल्स हैं, देखो क्वेश्चन वही है, कंडीशन चेंज हो जाएगी इसमें, जो वोवेल्स हैं, स्वर हैं, वो सदैव साथ में रहें। ठीक है, आपको क्या करना है, शब्द कॉफी के अल्फाबेट्स को इस तरीके से रीअरेंज करना है, कितने अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसा रीअरेंज नहीं, कितने अलग अलग तरीकों से रीअरेंज कराया जा सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि सारे स्वर, मतलब वोवेल्स साथ में रहें। देखते हैं, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है शब्द कॉफी। इसमें अगर मैं वोवेल्स अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, पहले वर्ड्स अल्फाबेट्स काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको देखना है यहाँ वोवेल कितने, तीन आपके क्या है यहाँ पर वोवेल्स, ओके, बाकी कंसोनेंट है। तो आप क्या करो, वोवेल्स को एक साथ लिख लो। तो पहले आप लिख लो अलग अलग, क्या कर लो, कंसोनेंट को अलग कर लो। ठीक है, अब वोवेल क्या है, ओ ई ई। अब जैसा कि हमने होम में किया था वैसे ही इसको भी मैंने मार्किंग करी है वोवेल को, और वोवेल को मान लो आप एक यूनिट, मतलब ये एक अल्फाबेट का काम करेगा, 1, 2, 3 और ये पूरा का पूरा 4। लेकिन एक चीज है दोस्तों आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो क्या ध्यान रखने वाली है मैं आपको बता रहा हूं, ये साथ में रहे लेकिन आगे पीछे तो हो सकते ना, ई ओ ई भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ओ डबल ई की जगह पर, है ना, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कितने हैं ये, 1, 2, 3, मतलब क्या हो जाएगा, 3p3। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3p3। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखनी है, मैंने आपको एक और बताया था टाइप टू, अगर मेरा देखोगे पिछले वीडियो का, अगर कोई अल्फाबेट है अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो आपको कितनी बार रिपीट हुए हैं उतने फैक्टोरियल का हमेशा डिवाइड। अब भाई एफ कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो आप फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करोगे एफ के लिए। ई कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो आप किसका करोगे, उसका भी करोगे, किसके फैक्टोरियल 2 का करोगे, ई के लिए भी। तो 2 फैक्टोरियल 2 का आपका डिवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब पहले आप काउंट कर लो, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4p4, पहले तो इसका हो गया मल्टीप्लाई, ये किसके लिए, इंडिविजुअल वोवेल के लिए, जैसे आपने एक यूनिट माना था ना, ये तो हो गया 4p4, लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं इस पोजीशन में ही रह के, तो आप उसके लिए क्या करोगे, 3p3। डिवाइड में क्या जाएगा भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया एफ कितनी बार है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, ई कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल 2, ये ई के लिए मान लो और ये एफ के लिए। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये एन और आर बराबर हैं आपस में, ये एन होता है, ये आर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट 4 है ना, तो फैक्टोरियल 4 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, 3p3 तो फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ओपन कर लेते हैं भाई, 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 × 2 × 3 × 2 कितना हुआ, 6 × 6 तो कितना है आपका आंसर, 36। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर आप देखें यहाँ पर कितना है आपका 36, हमने यहाँ पर क्या किया, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 ई और एफ का था, अगर ऊपर आप देखो 4p4 तो पूरी यूनिट थी, 1, 2, 3, 4, इसको आपने एक माना था, लेकिन ये आपस में तो वोवेल साथ में रह के इंटरचेंज हो सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने वोवेल हैं, 3, तो आपस में रीअरेंज होंगे वो, हाँ होंगे 3p3 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 3p3, ये किसका हुआ है, 3p3 भाई, ये वोवेल्स की लोकेशन के लिए हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, ओवरऑल 4p4,
फैक्टोरियल टू, और फैक्टोरियल टू का मैंने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ई दो बार रिपीट था और एफ भी दो बार रिपीट था। बाय द वे एफ अगर आपका तीन बार होता तो आप एफ में फैक्टोरियल थ्री का डिवाइड कर देते, जितनी बार रिपीट होगा इंडिविजुअल अल्फाबेट उतने हिसाब से आप फैक्टोरियल का डिवाइड करोगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला जो टाइप फाइव है वो क्या है। शब्द होम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर साथ में ना रहें। मतलब इससे पहले हम कर रहे थे कि वॉवल साथ में आए, इसमें बोला गया है दे विल नेवर कम टुगेदर, मतलब कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, हमें रीअरेंज तो करना है, हाँ ठीक है करना उसके अल्फाबेट, लेकिन ऐसे ही कि उसके जो स्वर हैं वो हमेशा साथ में ना आए। तो आप कुछ मत करो, आपको ऐसा करना है ना, तो आप क्या करो पहले टोटल निकालो। इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों, कंसंट्रेट करिएगा। होम शब्द था आपका, पहले आप निकालो ऑल, मतलब ओवरऑल रीअरेंजमेंट जो आप निकालते हो 4P4 डायरेक्ट, ना कोई कंडीशन ना कुछ, सबके लिए सेम जो होगा, जिसमें स्वर साथ में भी रहेंगे नहीं, मतलब ओवरऑल जो अगर रीअरेंजमेंट होगा वो कितने तरीके से हो सकता है। तो हमने ये टाइप वन में किया था, हम उसी को कर रहे हैं 4P4 भाई, पूरे के पूरे हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, माइनस वॉवेल्स टुगेदर, मतलब क्या आपका यहां पर रहेंगे आपस में रहे, वॉवेल्स कैसे रहे साथ में रहे, तो आपका क्या होगा यहां पर वॉवेल्स टुगेदर। तो आप क्या करोगे यहां पर देख लो, होम है, होम माइनस जो आपने यहाँ पर किया था वॉवेल्स के लिए, मतलब मैं ओवरऑल निकालूं जिसमें वॉवेल्स भी आए साथ में और ना भी आए, सारी कंडीशंस आ जाएं रीअरेंजमेंट की, और उसमें से माइनस कर दूं वॉवेल्स वाली, वॉवेल्स टुगेदर वाली कंडीशन जिसमें वॉवेल्स एक साथ आएंगे वो वाली कंडीशन अगर माइनस कर दूं दोस्तों, तो जो बची कंडीशन आपकी होगी वो किस क्या होगी देख लेते हैं, वो होगी जिसमें वॉवेल्स साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बनी थी हमारी 1, 2, 3, मतलब इसका क्या बना था यहाँ पर 3P3 मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने आपको बता ही चुका, ये वॉवेल्स भी तो आपस में रीअरेंज होंगे ना, 2P2 आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लो, 4P4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 2 × 1। अब यहां पर आप देखो 4 × 3 × 2 कितना हुआ 24, 3 × 2 × 2 कितना हुआ 12, तो आपका कितना बचा 12, तो आपका आंसर कितना हो गया। हम ऐसे 12 तरीकों से शब्द होम को रीअरेंज कर सकते हैं जिसमें सभी स्वर साथ में ना आए, मतलब जहां पर स्वर साथ में वॉवेल साथ में ना रहें। ऐसी ही कंडीशन आपका जो टाइप फाइव था मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो कंडीशन बनी, देखिए हमने एक एक चीज समझी है यहाँ, टाइप फाइव तक अभी तक मैं करा चुका हूँ इसे आपके लिए अलग अलग तरीके से। देखो मैं शब्द भी वर्ड भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, वर्ड इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसी वर्ड से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैंने पहले सारी कंडीशन निकाली होम को पूरे तरीके से, जिसमें वॉवेल साथ में आया ना आया हमें कंडीशन नहीं, हमें ओवरऑल निकालना है, वो निकाला। फिर मैंने एक कंडीशन वॉवेल्स टुगेदर वाली जिसमें वॉवेल साथ में रहे वो वाली कंडीशन निकाली और माइनस कर दी, तो बची हुई कंडीशन क्या बचेगी जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन उसमें थोड़ा अल्फाबेट्स अलग हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा है, जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए भी सेम क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करने की टेक्निक चेंज हो जाएगी, प्रोसीजर यही है, बाकी आपके लिए रिविजन हो जाएगा। चले देखते हैं, शब्द कॉफी के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर साथ में ना रहें, दे विल नेवर कम टुगेदर, मतलब साथ में नहीं आएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका शब्द कॉफी, ये मैं आपको टाइप सिक्स समझा रहा हूँ दोस्तों, ये है आपका टाइप सिक्स। इसमें भी दोस्तों मैं पहले ऑल निकालूंगा, मतलब ओवरऑल कंडीशन स्वर साथ में रहे और ना रहे, मतलब वॉवेल साथ में आना है, उसको माइनस कर दूंगा कॉफी की ही एक कंडीशन से। अगर यहाँ देखें मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है, वहाँ पर सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई वॉवेल्स टुगेदर की,
है ना, मतलब साथ में रहे वो वाली कंडीशन, मतलब मैं पहले ओवरऑल कंडीशन निकालूं जिसमें वोवेल साथ में नहीं है, पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट माइनस कर दूं वोवेल साथ में रहे वाले रीअरेंजमेंट को, तो आपका क्या बचेगा, जिसमें बचा हुआ क्या निकलेगा जिसमें वोवेल साथ में नहीं आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कॉफी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 भी 6 तो हुआ, लेकिन यहाँ रिपीटेशन है कि नहीं, हमने पहला क्वेश्चन भी किया था, आपको समझ में आ रहा होगा, दो बार एफ है और दो बार ई है, तो फैक्टोरियल टू, 6 पी 6 का मतलब भी फैक्टोरियल 6। अब 6 6 5 30 33 90 और 92 180, तो यहां पर ये जो पोर्शन आपका सॉल्व होके आया है कितना हो गया, 180। भाई ये तो मेरा सॉल्व हो गया 6p6 वाला अगर मैं देखूं तो। अब बचा क्या, 180 तो आ गया ये वाला पोर्शन। अब आपको किसे सॉल्व करना है भाई, मुझे सॉल्व करना है अपने इस वाले को, ये हम टाइप 4 जो मैंने आज स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन दोस्तों, वो मैं आपके सामने सॉल्व कर चुका हूँ, आप बैक पे जाइए तो आप आसानी से समझेंगे। वॉवेल्स टुगेदर वाली कंडीशन थी और कॉफ़ी का ही था जिसमें सर साथ में आए, पहला क्वेश्चन जो आज के वीडियो में है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें जो हमने आंसर निकाला था वो कितना निकला था आपका, निकला था 36, ठीक है, वही प्रोसीजर सेम 36, तो आप इस 36 को ओवरऑल से माइनस कर दो भाई, 180 में से 36 का तो कितना, तो ऐसे 144 वेज हैं, मतलब तरीकों से आप इसे व्यवस्थित कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो जिसमें स्वर साथ में ना आए। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना, तो उससे आपका क्योंकि डाउट भी क्लियर होगा और आपको हम कंटिन्यू और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हो सकता है ना कुछ कुछ आपको डाउट आते हैं भी, सबको आ सकते हैं, तो आप लोग पूछ भी सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे भी बने तो आप हमें क्वेरी अपनी हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आने वाले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज वेद एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा खुद का पेज है जिस मैथ्स विद मयंक, उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा और ज़्यादा आप तक हमारी रीच बनेगी और आपकी रीच हम तक बनेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहूँगा नमस्कार, आने वाले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.